दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने बच्चों के स्तनपान की आदत को छुड़ा सकती हैं। कई माएं इस बात को लेकर परेशान होती हैं कि उनका बच्चा स्तनपान पर ही निर्भर रहता है, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप बताऊंगी जिससे आप अपने बच्चे की इस आदत को छुड़ा सकती हैं। स्टेप वन, अपने बच्चे को अच्छी तरह स्तनपान कराएं। जब उसका पेट पूरी तरह से भर जाए तब थोड़ी सी मात्रा में उसे कोई ठोस आहार दें। यह तय कर लें कि आप जो भी उसे दे रही हैं वह चबाने में आसान और सुपाच्य हो। बच्चे को विभिन्न स्वादों और प्रकारों से अवगत करवाएं ताकि उसे माँ के दूध के अलावा दूसरे तरह के भोजन में भी दिलचस्पी हो। उसे अलग अलग तरह का भोजन दें जो रंग आकार और स्वाद में भिन्न भिन्न हो, साथ ही इन्हें अलग अलग समय पर दें। स्टेप टू, जब आपको लगे कि आपका बच्चा दूसरे प्रकार के भोजन में दिलचस्पी लेने लगा है और उसे पर्याप्त आहार के साथ पोषण भी मिल रहा है, तो आप धीरे धीरे से उसके स्तनपान को कम कर दीजिए। अगर आप उसे दिन में 6 बार दूध पिलाती हैं तो कम से कम 2 बार स्तनपान के पहले किसी अन्य भोजन से उसका पेट भरें। ऐसा करने से वह ठोस आहार में दिलचस्पी लेता है, तो उसके बाद पेट भरा होने की वजह से ज़्यादा स्तनपान के लिए वह आपको परेशान भी नहीं करेगा। और अगर स्तनपान के पहले बच्चे ने ठोस आहार से अपना पेट नहीं भरा है तो उसे स्तनपान कराएं। स्टेप तीन, यह प्रक्रिया स्तनपान को धीरे धीरे कम करके बच्चे में भी ठोस आहार के प्रति रुचि जगाती है, और साथ ही आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप बच्चे के दूध की जगह चतुराई से ठोस आहार को जगह दें। अगर आप देखेंगी कि बच्चा अभी भी दूध पर ही निर्भर रहना चाहता है तो उसे दूध की जगह फॉर्मूला दूध दें। बच्चे की भावनात्मक ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसे दिन में 1 या 2 बार स्तनपान कराएं और साथ ही धैर्य बनाए रखें। स्तनपान छुड़ाने की इस प्रक्रिया में 6 माह से 1 वर्ष का समय लग सकता है। इसी तरह और भी हेल्दी और ब्यूटी टिप्स के लिए सब्सक्राइब करें।